दोस्तों और मिर्च मसाला में फिर से एक बार स्वागत है। क्योंकि गर्मियां आ चुकी है और गर्मियों में हम आइसक्रीम और कुल्फी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी कुल्फी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये आप रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। और अगर आप ये ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम झटपट शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ कुल्फी बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है 4 कप दूध और साथ में हमने लिया है 1 कप क्रीम, यानी 1:4 का रेशियो है 1 कप क्रीम के साथ 4 कप दूध। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, मार्केट में बहुत से ब्रांड के अवेलेबल है, आप कोई भी यूज कर लीजिए। चॉप ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है पिस्ता, साथ में हमने यहाँ पे लिया है बादाम और इसके साथ हमने लिया है काजू। ये सारे मैंने 2 चम्मच लिए हैं, चॉप करने के बाद ये 2 चम्मच होने चाहिए। और हमें लगेगा केसर, चूंकि ये मलाई केसर कुल्फी है, केसरिया मलाई कुल्फी है, तो केसर तो बनता ही है। और साथ में चीनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यहाँ मैंने 1/3 कप चीनी लिया है। पहले हम एक पैन गैस पे चढ़ाएंगे और उस पैन में हम डालेंगे दूध। दूध आप फुल क्रीम लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज आप नॉर्मल दूध भी यूज कर सकते हैं। और उस दूध में हम डाल देंगे क्रीम और क्रीम के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे पाउडर्ड मिल्क भी। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देते हैं चलाकर, ताकि हमारे दूध में कोई भी लम्स ना रहे और ये तीनों चीजें एकदम इवनली अच्छे से दूध में मिल जाए। आपको इस दूध को कम आंच पे तब तक पकाना है जब तक इसका कंटेंट आधा ना हो जाए और ये क्रीमी ना हो जाए। स्टेज पे हम केसर भी डाल देते हैं। ये देखिए दूध मेरा आधा हो चुका है, ये कितना क्रीमी हो चुका है आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अब मैंने इसमें डाला है चीनी, मैंने 1/3 कप चीनी लिया था, लेकिन 1/3 कप मैंने यहाँ पे चीनी नहीं डाला है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। 1/3 में मैंने इतनी चीनी मेरी बच चुकी है, मैं उतना ज्यादा मीठा पसंद नहीं करती, पर अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पूरा 1/3 कप चीनी यूज कर सकते हैं। इस स्टेज में हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे मिला देते हैं गैस एकदम लो फ्लेम पे, ताकि ये धीरे धीरे आराम से और अच्छे से पके। करीब 15-20 मिनट बाद आप देखिएगा ये एकदम गाढ़ा हो चुका है, इसका कंटेंट एकदम हाफ से कभी कम हो चुका है। तो अब ये स्टेज है कि आप गैस बंद करें, इसे ठंडा होने दें। ये अब ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे मोल्ड में भरूंगी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप थर्मोकोल के कप्स भी यूज कर सकते हैं या किसी भी बर्तन में आप जमा सकते हैं। तो आप इसे ऐसे सब में भर दीजिए मोल्ड पे, और मोल्ड में भरने के बाद आप इसके मोल्ड के ढक्कन को लगा दीजिए। मैंने यहाँ सारे मोल्ड्स में भर दिए हैं और मैं इसके कैप को लगा रही हूँ। अगर आपके पास कैप नहीं है तो भी मेरे पास एक उपाय है, आप उसे सिल्वर फॉइल से इस तरह कवर कर दीजिए। तो दोस्तों आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी इसे अच्छे से बनाकर जमा सकते हैं और इसे रात भर के लिए फ्रिज पे छोड़ दीजिए। ये मैंने इसे रात भर फ्रिज पे छोड़ दिया, तो आइए अब चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों कुल्फी बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। इस कुल्फी को तो देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। गर्मी ही तो एक ऐसा सीजन होता है जब हम घर में आराम से बिना डर के आइसक्रीम जमा सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली रेसिपी आप इस गर्मी जरूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन टैप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम हमेशा इसी तरह कनेक्टेड रहें। धन्यवाद।